हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ बजट 2019 से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बजट 2019 निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया है? तो देखिए, बजट 2019 ये निर्मला सीतारमण के द्वारा 5 जुलाई द्वारा को पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखिए, बजट 2019 को ये बही खाता के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, बजट का उल्लेख ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, आम बजट 2019 में केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया है? तो देखिए, आम बजट 2019 में केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए ये 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है, तो देखिए, भारत की पहली वित्त मंत्री ये इंदिरा गांधी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, ग्रामीण रोजगार के लिए ये स्फूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से कब प्रारंभ होता है? तो देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष ये 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट निम्नलिखित में से कब पेश किया गया था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 में महिलाओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, बजट 2019 में महिलाओं के लिए ये नारी तो नारायणी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में पैन कार्ड की जगह पर किस कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में पैन कार्ड की जगह पर ये आधार कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, बजट 2019 में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, बजट शब्द का अर्थ ये चमड़े का थैला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है भारतीय बजट की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, भारतीय बजट की स्थापना जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितने रुपए के नए सिक्के जारी करने का जिक्र किया गया है? तो देखिए, बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये 1, 2, 5, 10 और 20, ठीक, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के जारी करने का जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 के अनुसार शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, बजट 2019 के अनुसार शोध को बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है,
बजट 2019 के अनुसार अगर बैंक खाते से 1 करोड़ से अधिक पैसे निकालते हैं तो कितना TDS देना पड़ेगा। तो देखिए बजट 2019 के अनुसार अगर बैंक खाते से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो 2% TDS देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 के अनुसार किस योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो देखिए बजट 2019 के अनुसार ये उज्ज्वल योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा कि LPG में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए LPG में ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 में कितने लाख रुपए की घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। तो देखिए बजट 2019 में ये 45 लाख रुपए घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो देखिए भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी और तीसरा इंदिरा गांधी। यानी ये 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने पहली बार बजट पेश किया था। तो देखिए पहली बार बजट जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए गणतंत्र भारत का पहला बजट ये जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम सेठी के द्वारा किस दिन पेश किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये R.K. षणमुखम सेठी के द्वारा ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 के अनुसार टैक्स में छूट को 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए बजट 2019 के अनुसार टैक्स में छूट को 2 लाख से बढ़ाकर ये 3.5 लाख कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया है। तो देखिए सबसे अधिक बार बजट ये मोरारजी देसाई ने 20 बार पेश किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 के अनुसार उजाला योजना के तहत कितने LED बल्ब बांटे गए हैं। तो देखिए बजट 2019 के अनुसार उजाला योजना के तहत ये 35 करोड़ LED बल्ब बांटे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। तो देखिए रेलवे बजट को आम बजट में ये 2017 में शामिल कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 में कितने डॉलर की हो जाएगी। तो देखिए बजट 2019 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ये वर्ष 2019-20 में ये 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए भारत विश्व में ये 6ठे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 किसके द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए अंतरिम बजट 2019 जो है
ये पीयूष गोयल जी के द्वारा पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 किस तिथि को पेश किया गया था। तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि अंतरिम बजट 2019 जो है ये किस तिथि को पेश किया गया था। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।